मीडियम को डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक चल रहा है, ग्रेड तो नीचे है। तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम क्या लेते हैं। हम फिक्शन की बात करते हैं। अगर आप फिक्शन लिखना चाहते हो तो उसमें तीन चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वो ये है कि कितनी ऑनेस्टी से हम स्टोरी को लिख रहे हैं। और स्टोरी में ऑनेस्टी का मतलब केवल उसमें इमोशन और डेप्थ नहीं लेकर आएगा, बट उसको रिलेटेबल बनाएगा। वो कैसे अचीव होगा? सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ, इन वेरी शॉर्ट, जो मैंने सीखा है। यू हैव टू मेक अ लीड कैरेक्टर इन योर स्टोरी, व्हाट वी कॉल एज प्रोटैगनिस्ट, एज समवन हु इज इन ग्रेट ट्रबल। स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी इज अ गाय और अ गर्ल इन रियल ग्रेट ट्रबल, एंड देन देयर आफ्टर यू हैव टू सेकेंड पेज ओनली यू हैव टू थ्रो हिम अंडर द बस। दैट मींस आपको उसकी मुसीबतें जितनी ज्यादा मुसीबत में डाल सको, पढ़ने वाले को उतना ही आना। हमारा दिमाग ऐसा है, तो किसी की प्रॉब्लम को हम जब देखते हैं कि वो बंदा प्रॉब्लम में है तो हमको बड़ा आनंद आता है, और थोड़ी देर बाद हम उस कैरेक्टर के लिए रूट कर सकते हैं। हमको लगता है यार इसको जिताना है। हाँ, अंडरडॉग होता है वो, क्योंकि वो गड़बड़ परेशानी में है, तो यू बिकम दैट कैरेक्टर। दिस हैपेंस टू ऑल द पीपल, सबकॉन्शियसली यू बिकम द कैरेक्टर, एंड देन आप इतना जुड़ जाते हो स्टोरी के साथ में कि वो कैरेक्टर जो कर रहा है वो आप ही कर रहे हैं। और अगर वो कैरेक्टर गलत डिसीजन लेता है तो आपको भी बड़ा दुख होता है साथ। तो क्या हम उस तरह की कहानी, उस डेप्थ की, वैसे कैरेक्टर की, इतने सारे प्रॉब्लम वाली लिख पाएंगे? ये एक फंडामेंटल चीज। अगर आपकी लैंग्वेज बहुत ठीक नहीं है, काफी सारी गलतियां भी हैं बुक में, तो भी फर्क नहीं। अगर आपका प्रोटैगनिस्ट प्रॉब्लम में है, नाउ टेक्निकली इस प्रॉब्लम को बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट इन लिटरेरी वर्ड, इट्स इंग्लिश वर्ड, बट कॉन्फ्लिक्ट मींस उस कैरेक्टर, उस प्रोटैगनिस्ट को प्रॉब्लम है, वो किस चीज से लड़ाई कर रहा है। तो इसकी भी तीन चार वैरायटी है। एक को बोलते हैं मैन वर्सेस मैन प्रॉब्लम, जैसे रामायण की बात करें। क्या प्रॉब्लम है राम की? कि हिज वाइफ हैज बीन एंटर, सो दैट इज हिज कॉन्फ्लिक्ट। हु इज स्टॉपिंग हिम फ्रॉम रेस्क्यूइंग हिज वाइफ? द एंटागनिस्ट, दैट इज रावण। दिस टाइप ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट इज कॉल्ड मैन वर्सेस मैन प्रॉब्लम। व्हेन आई से मैन, इट इज एक्चुअली जेंडर न्यूट्रल। व्हाट आई मीन इज इट इज अ वुमन प्रोटैगनिस्ट, women versus women or women versus man or man versus woman. So, ऐसी कहानियां बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, बट बड़ी फिजिकल होती है। ये हर, ये थ्रिलर में वर्क करेगा, ये हॉरर में वर्क करेगा, बट ये रोमांस में वर्क नहीं करेगा। थोड़ा सा मजाक करते हैं, कल मेरा किसी ने कल वाला सेशन अटेंड किया, हाँ, तो वही वाला मजाक दोबारा करता हूँ कि मैंने जब बहुत सारी किताबें लिख ली और मैंने देखा कि मेरी वाइफ मेरी किताबें बिल्कुल नहीं पढ़ रही, तो मैंने सोचा यार क्या किया जाए। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, यार मैं ना सोच रहा हूँ कि मैं एक बहुत ही अच्छी रोमांटिक नॉवल, बहुत जोर जोर से हंसने लगी। क्या हो गया? मैंने क्यों, मतलब हंस क्यों रहे? बोला जिस आदमी को रोमांस करना नहीं आता वो रोमांस नॉवल कैसे? मैंने बोला अब तो मैं देखना वर्ल्ड की बेस्ट रोमांस नॉवल। अब मैंने ये सोचा और सोच के दूसरे अपनी स्टडी है हमारे घर में, सेक्रेट रूम जहाँ मैं लिखता हूँ, मैं उसमें चला गया, दरवाजा बंद कर लिया, अब पंगा तो ले लिया। तो मैंने सोचा है क्या करूँ, फिर मेरे को दिमाग में रोमांस नॉवल में तो विलन होता ही नहीं, रोमांस में विलन ही नहीं होता। इट्स अ फैक्ट, जैसे ही रोमांस में विलन डालते हो वो बन जाता है रोमांटिक थ्रिलर। रोमांस नॉवल इज हाउ डू, मैं सारा टाइम फौजी ऑफिसर की यूनिफॉर्म में नहीं घूम रहा, और मैं तो लोगों से लड़ाई, मतलब प्रॉब्लम मतलब लड़ाई, यहाँ तो लड़ाई नहीं, तो खाली कैसे लिखोगे? पचास हजार साठ हजार वर्ड की मैं यार प्रॉब्लम में भाई इज राइट, बट मैंने तो पंगा ले लिया था। तो मैंने चलो कोई बात नहीं, शॉर्ट स्टोरी तो लिखी, तो मैंने शॉर्ट स्टोरी लिखनी शुरू की। ये द लास्ट वन, एक फैमिली के पर्सनल, एक हमारे परिवार में एक हमारे रिश्तेदार हैं जो, जिनकी वाइफ यंग एज
इतना प्यार अपनी वाइफ से कि उन्होंने आज तक दोबारा शादी नहीं की और बहुत जेन्युइन था ना, तो परिवार वाले मेरे को कई बार ऐसा लगता भी था कि शायद उनको दोबारा शादी करना चाहिए, परिवार में तो लगता है और शायद मेरे को लगता है कि उनकी वाइफ भी शायद ये चाहती होंगी, क्योंकि अगर यंग एज में चले गए तो भी बच्चा भी है एक, अब क्यों बट वो इतना प्यार में मतलब तो वो बड़ा एक रेयर चीज़ है। तो मेरे दिमाग में ये आया कि क्या कैन ट्रू लव हैपन द सेकेंड टाइम, कितनी अजीब सी बात है, कितनी एक तरह से बोल सकते हैं लेवल पे इतनी ग्रेट थॉट नहीं है, बट जैसे मैंने उसको सोचा तो मैंने सोचा नहीं है सर्कमस्टेंसेस में एक्सीडेंट हो सकता है, बीमारी हो सकती है और हम ऐसा भी हो सकता है कि किसी को वाकई में बड़ा प्यार हो। तो इस चीज़ को लेके मैं एक बंदे की कहानी शुरू की, एज ए सेड द पर्सन हैज़ टू बी इन ट्रबल, तो फर्स्ट पेज में ही उसकी वाइफ द बुक स्टार्ट्स विद शी राइटिंग हर फाइनल लव लेटर टू हर हस्बैंड फ्रॉम आईसी and the book opens with a love letter and in that she is saying ki bhai tu 32 saal ka hai tu dobara shaadi kar lena, hum dobara taaron sitaron mein milenge, ghoomenge, hamari zindagi bhar ka pyar hai lekin hamari beti hai to ye mat kar। aur wo kya karta hai, wo takke ke niche rehta hai, roz raat ko padhta hai, rota hai, so jata hai, wo dobara shaadi karne mein bilkul interested nahi hai। to ye conflict maine aise kitab mein padha, kitab kafi chali niche bol raha tha vishay ek to company ki thi, to जब मैंने इसको एक इस प्योरिटी ऑफ थॉट से रियल लाइफ से इंस्पायर होकर लिखना शुरू किया तो लेडीज एंड जेंटलमैन द पावर ऑफ राइटिंग इज आल्सो सो ब्यूटीफुल दैट द ऑनेस्टी दैट आई सेड द फीलिंग दैट इज टेक्स यू अहेड इन द स्टोरी एंड मैं इन्हीं कैरेक्टर्स को जो मैंने बनाए उन्हीं में मैं गुम हो गया और एक दूसरा कैरेक्टर फीमेल का स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर मैं इसे मैंने स्टोरी में डाला और कैसे फिर इनका दोबारा मुलाकात होगी आगे क्या होता है नहीं होता है उसके ऊपर पूरी कहानी मैंने लिखी और मेरे को जिस चीज का कॉन्फिडेंस नहीं था टॉक अबाउट क्रिएटिव राइटिंग। नाउ इट इज एस्टोनिशिंग टू नो दैट इन इंडिया वी डू नॉट हैव क्रिएटिव राइटिंग ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज इन एनी कॉलेज। वी टीच लिटरेचर बट वी डोंट टीच क्रिएटिव राइटिंग। एवरी अदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री इन द वर्ल्ड हैज गॉट लिटरेचर एंड क्रिएटिव राइटिंग। नाउ आई डू नॉट नो अबाउट दिस बट I'm a services officer, I've worked in the firm for 23 years. When I was, when I finished 15 years and when I was trying to write my first book, I was very happy that my book was accepted, it was published, but it did not do that well. And I thought maybe, some people gave me feedback, ki maza nahi aaya yaar, thoda aisa aur aisa. So I realized that I need to hone my skills as a writer, which happens in every profession, which is all right. So I wrote my next book, which was not accepted by anyone. including the earlier publisher, उन्होंने बोला ये तो और भी ज़्यादा खराब। So I said no problem, I'm a foggy and spend energy to write one more book, and वो भी किसी ने accept नहीं की। तो फिर मेरे को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। So I must try to understand how to write a good book. So I did some elementary research and I realized that to write a good book novel, first you should know how to write a good short story. You know, because if you learn how to write a good short story, then you can write a good novel, because I'll explain to you in detail how novels and short stories are basically similar. So इतना बड़ा काम करने की जरूरत हो कि फेल होने की बजाय छोटा सा काम करके, क्योंकि नॉवल तो क्यों राइट वन नॉवल नहीं है और शॉर्ट स्टोरी क्यों राइट छुट्टी ही नहीं है, right? Every time you get feedback and you learn. I'll come to that a little later, but it so happened that my so after my third book was rejected, I did this deep reflection and I did an internet research and I realized about this and I started writing short stories. And every short story I used to write, I used to think, oh my god, kitna acha hai. And my target always was my wife. Main usko bolta tha ki ye dekho padho. So she used to read and say, yaar ye to baat hai. Very good story. And I used to get very ambitious. To send them to the top publications in Western countries. There are, as I said, there is no creative writing graduation, post-graduation programs in India in any college. Now we have vocational ones, but still we don't have a degree. Also, we do not have magazines of writing, which are there in English-speaking country, every college. They call it literary magazine. That is again absent. I'm 100% sure without asking, your university will not have. Because if St. Stephen doesn't have, Hindu college does not have, then obviously your college will not have. Because
because this is again something that I know why we as Indians do not understand. Now, for me to know whether my short story is good or not, मैं करूँगा. तो मैंने foreign countries की top literary magazines पता की, so there's one called Granta, which is considered number one. There's another one called there are quite a few, in fact, the Iowa Review, the Florida Review, the Paris Review, and there are many colleges with them. And I made a list of top 10 and I said, देखो मैं देशों को बता रहा हूँ, कुलप्रीत यादव इंडियन कितनी बढ़िया कहानी लिखता है, करके मैंने भेजा बहुत रिजेक्ट हो गया. तो फिर नीचे वाले 10 में आए, वहाँ भी रिजेक्ट हो गया. फिर नीचे वाले और 10 में आए, तो वहाँ भी रिजेक्ट हो गया. मैं कोई बात नहीं, पहली स्टोरी लिखी और ऐसे करके मैंने दूसरी लिखी, तीसरी लिखी, वाइफ को पढ़वाया, चौथी लिखी, अपने ऑफिसर फ्रेंड्स को भी पढ़वाया. फिर पांचवी के बाद ऑफिसर्स फ्रेंड्स में बार में जाता था, दूसरे देख के मेरे को छूट जाते फिर यार कुछ खरीदा रहा यार एक और कहानी पढ़ लो. बट वाइफ ने मेरा साथ दिया और पांच स्टोरीज फिर उससे वो भी मेरे को बोल रही है अभी पढ़ना है, कल सुबह पढ़ सकती हूँ, आज मेरा सरगत हो. तो मैं लगा कल सुबह पढ़ो, तो कल सुबह भी माइंड रिमाइंड करके यार पढ़ो यार, हाँ पढ़ रही पढ़ रही. फिर पांच स्टोरी के बाद उसने फिर बोल दिया कि यार ऐसा है बहुत मुश्किल काम है, ये मैं नहीं कर पाऊँ. तो मुझे थोड़ा अकेलापन महसूस हुआ. और मैं आपको फर्स्ट लेसन ही देना चाहता हूँ, राइटिंग इज अ वेरी लोनली थिंग. योर फैमिली, योर फ्रेंड, दे ऑल लव यू, बट नोबडी कैन झेलो दिस काइंड ऑफ टॉर्चर. सो मेरे को बात समझ में आ गई. फिर मैंने दूसरी स्टोरी लिखी, तीसरी लिखी, चौथी लिखी. लेडीज एंड जेंटलमैन, यू बी सरप्राइज, आई रोट टोटल अराउंड 200 स्टोरीज एंड आई सेंड इट टू ऑल द बेस्ट मैगजीन. ऑल ऑफ देम वर 100% rejection rate. तब मैं फिर depression में, यार कुछ problem है, बीवी बोल नहीं सकती, friends बोल नहीं सकते, रिश्तेदार भाई father mother बोल नहीं सकते, but तेरे को लिखना ही नहीं आता है, ये सी प्रूव हो रहा है. तो मैं कुछ time तक तो depression में था. फिर मैंने सोचा कि मैं ना पता करूं कि ये लोग जो publish करते हैं international magazine में उसकी क्या quality होती है, मैं कहाँ lack कर रहा. तो मैंने अब वो महंगी आती है सब $20 foreign postage की, मैंने मंगा लिया बहुत सारी. मैंने बोला चलो 25-30 हज़ार रुपए खर्च करो, इनकी लेटेस्ट एडिशन मंगाओ. मैंने पढ़ी वो किताबें, इनकी मैगजीन स्टोरीज, और मेरे को लगा है कि ओ दिस इज रियली टेरिबल, लुक एट माय वंडरफुल स्टोरीज एंड लुक एट दिस ट्रैश, दे आर पब्लिशिंग ट्रैश, प्रोबेबली दे आर नॉट एबल टू रिप्लाई हाउ ग्रेट इज कंपनी. आई वाज इन दैट थिंग फॉर फ्यू डेज, उठा के फेंक दिया हटाओ. फिर मैंने धीरे धीरे करके 2-3 महीने बाद फिर से मैंने उनको पढ़ना शुरू किया. तो एनीवे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बाद में रियलाइज किया कि एक्चुअली मेरी स्टोरीज अच्छी नहीं है, उनकी स्टोरी ज्यादा बेटर है और मेरा को अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, ये मेरे को समझ गया. तो उसके बाद मैंने सोचा मैं इसका मतलब ये कि क्रिएटिव राइटिंग, राइटिंग भी एक आर्ट है, इसको सीखना चाहिए. तो सीखे कहाँ से? तो फिर मैंने ऑनलाइन प्रोफेसर्स को इंटरनेशनल लर्निंग हाउ टू राइट. And I did this journey diligently for 2-3 years. फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं चंडीगढ़ में एक लिटरेचर फेस्टिवल में ऐसे ही, I was giving a talk. तो एक कॉलेज के डीन बैठे हुए थे ऑडियंस में. I think that's fine. Thank you. Thank you very much. So वो कॉलेज के डीन ने मेरे को बाद में बुलाया और उन्होंने मेरे को कहा वो रिकॉर्डिंग हो रही है. I think night पे your voice will be better than recordings. All right, so, मेरे को थोड़ा सा अपनी आवाज को गजल जैसा करना पड़ेगा तुम्हें. और ये तो होता ही हमेशा जो हो रहा है, दिस इज अ टिपिकल इंडियन थिंग, कहीं किसी कंट्री में नहीं होता है. ये फोन की वजह से मेरे कहीं मैं ही तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, I don't know. So, हुआ ये कि उन्होंने मेरे को बोला कि यार प्रवीण आपकी ना काफी अच्छी नॉलेज है क्रिएटिव राइटिंग की, वुड यू लाइक टू टीच एज अ गेस्ट फैकल्टी इन अ कॉलेज इन दिल्ली. एंड देन इट हिट मी, आई सेड ओह माय गॉड, आई सेड डेफिनेटली. सो देयर इज अ कॉलेज इन दिल्ली नोन एज सोसाइटी ने श्री अरबिंदो सेंटर ऑफ आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन, सम ऑफ यू माइट हैव हर्ड, बिहाइंड आईआईटी दिल्ली. And there in the creative writing department, they have 2 months course. And I became a guest faculty and I taught there on weekends for 5 years. I don't know how many matches. So, long story short, मैं आपको introduction दे रहा था कि मैं कैसे eligible हूँ. तो मैंने ये कठिनाई वाला रास्ता देखा है.
तो इसीलिए मेरे यहाँ पे इस फेस्टिवल में तीन सेशन थे, बट जब मेरे पास फोन आया कि क्या आप एस्पायरिंग राइटर्स को, मेरी फ्लाइट शाम की है और मेरा सुबह सेशन दोपहर को 1 बजे से 2 बजे था, तो आई रियलाइज कि मैं पूरा टाइम तो फ्री रहूंगा, एंड दे सेड वुड यू लाइक टू इंटरेक्ट विद पीपल हु वांट टू एस्पायरिंग राइटर्स, आई सेड डेफिनेटली यस, आई मीन इफ आई कैन हेल्प पीपल अदर पीपल व्हाई नॉट, सो दैट इज माय इंट्रोडक्शन एंड दैट इज व्हाई आई एम हियर. We'll try to break it in such a way that in the end, or rather in between also, this is a very organic talk that I'm giving. And let us keep it conversational. आप मेरे को कभी भी रोक के कुछ भी पूछ सकते हैं. इसके बाद I would like to dwell on the fact that काश मेरे को किसी ने ये बात पहले बताई होती, अगर if you're starting point of your writing career, then this is the question that you need to ask yourself. Why do I want to write? This is a very simple question, but this is a very important question. And you need to have a very clear answer to that question. You want to write because you want to become famous. You want to write because you want to make money. You want to write because there is something that you know, which you can put it out there for public, and it will lead to changes in society, changes in government, changes in policy, changes in way people think, or you want to motivate the youngsters, or if you are a financial consultant, you want to write to advise people on how to manage their finances, or you are a startup guy, you have acquired some knowledge and there are some young people here, and today it is possible for you to make a $1 billion company with nothing, which is not possible earlier, and you want to know how to do it. If I am someone from that world, probably I can write. So you need to have clarity to this question, which I did not have for a very long time. Of course, now I do. Like, I don't know how many of you attended my session at 1 o'clock. Were you there with Mr. Anuj? You there? Anuj and Chandrachur. So we had a session about Netaji's files. Why Netaji's files have not been declassified by the government of India. Now, Anuj Dhar, friend of mine, whom I'm running into a lot of festivals and over a period of time, we become friends. I asked him a long time back, he's probably my age, maybe few years younger. I had asked him, I said, yaar tum karte kya ho zindagi mein? Bola kuch nahi karta. Meri life ka mission hai ki Netaji ki files ko declassify karo. Bas Bharat Sarkar kyun nahi kar rahi? Aur 18 saal 20 saal mehnat karne ke baad mein aaj se 4 saal pehle government ne declassify partly ki. So bahut acha session tha jinhone attend kiya wo realize kiya. To kya aapka wo wala mudda hai कि भाई मेरे को कुछ इस तरह का करना है तो भी ठीक है, बट आंसर होना चाहिए आपके पास, ये बहुत जरूरी चीज है. इसके बाद कुछ बेसिक चीज की बात करेंगे कि बुक्स, जैसा आपको पता है कि ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ बुक्स, सो वी गॉट अदर थ्री टाइप्स ऑफ बुक्स, वी गॉट एकेडमिक बुक्स व्हिच इज अबाउट यू नो सिलेबस कॉलेज स्कूल्स एटसेट्रा, देन वी हैव फिक्शन. Fiction book is what? What is fiction? Imagination. Imaginary world that you create, that is fiction. And a broad category again. Okay? And then there is another category called as non-fiction. Right. So broadly, ye categories hai. As far as I am concerned, I have an expertise in, not in academic writing. My expertise is primarily in fiction, but I have also written a few non-fiction books. Particularly